झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दुमका लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पहली बार झारखंड के कैबिनेट मंत्री बसंत सोरेन के साथ नलिन सोरेन जामताड़ा पहुंचे। दुमका रोड स्थित पार्टी के जिला कार्यालय में सभी नेताओं ने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाने का काम किया। वर्तमान की केंद्र भाजपा सरकार ने साजिश करके लोकसभा चुनाव में दुमका सीट जीतने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सलाखों के पीछे भेजा। बसंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब से दुमका लोकसभा प्रत्याशी के नाम की घोषणा की है सभी विपक्षी दलों में खलबली मची हुई। उन्होंने कहा कि दुमका काफी महत्वपूर्ण सीट है जिस पर झारखंड से लेकर दिल्ली तक की नजर टिकी हुई है। दुमका लोकसभा सीट झारखंड की नाक है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इस नाक को कभी कटने नहीं देगी। इस मौके पर दुमका लोकसभा प्रत्याशी नलिन सोरेन ने कहा कि सिर्फ दुमका सीट पर विजय पताका लहरा सके इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेजने का काम किया है। उन्हें ये डर सता रहा है कि जब तक हेमंत सोरेन बाहर है तब तक वो दुमका लोकसभा सीट नहीं जीत सकते। पर मैं इस मंच से बताना चाहता हूं कि हेमंत सोरेन भले ही आज प्रचार प्रसार के लिए हमारे बीच नहीं है लेकिन फिर भी दुमका लोकसभा सीट झामुमो का था और हमेशा रहेगा। वापस ले आप देख रहे हैं कि गुरुजी के परिवार को किस तरह से बर्बाद करने का काम बीजेपी ने ठान रखा है। आप देख रहे हैं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी को किस तरह से गलत आरोप लगा के आज जेल के अंदर डाला है। और इस चुनाव के वक्त में कि इस चुनाव में जो एक कैंपेनर के रूप में रहते पूरे झारखंड राज्य में कैंपेन करते चुनाव प्रचार करते आज नहीं कर पा रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता हमारा संगठन हतोत्साह हो जाए। दूसरा उन्होंने ठाना कि उनके परिवार से किस तरह से सीता सोरेन जी को अपने पाले में लिया है। मैं चितरंजन में कह रहा था कि हमारी लड़ाई सीता सोरेन से नहीं है, हमारी लड़ाई बीजेपी से है जिन्होंने आज इस संगठन को और नेतृत्व को तोड़ने का काम किया है, कमजोर करने का काम किया है। आज ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि अगर हम इस सीट को वापस लेते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन सम्मान बढ़ेगा और शिबू सोरेन गुरु जी का सम्मान बढ़ेगा और हेमंत सोरेन जो आज जेल में है उनका बदला हम लोग चुका पाएंगे। और बसंत सोरेन भी जो है वो पार्टी छोड़ेंगे, जेएमएम छोड़ेंगे, कहाँ तक क्या मामला है? किसने कहा थी निशिकांत दुबे? निशिकांत दुबे ने ये बात कहा। ये उनकी सोच है, अब किसी की सोच को तो क्या कहा जाए, ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। सर जितना बड़ा आरोप है सर, इतना बड़ा आरोप कि आप उस परिवार से हैं, आपने झामुमो को स्टेबल किया। आरोप लगाना से आरोप साबित नहीं होता है। वो ये कह दे कि फलना फलना है, फलना छोड़ के जाएगा, फलना आएगा, तो ये उसकी व्यक्तिगत चीज़ें हो सकती है, व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत राय हो सकती है और किसी के व्यक्तिगत सोच और राय को बदल नहीं सकते, उसमें किसी की जबरदस्ती तो होती नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत राय है, उनकी सोच है, उन्होंने अपनी बयान को कहा है, अपनी बातों को रखा है, ऐसी कोई बात नहीं।